Hello, welcome back to my English classes. I hope you are well and safe at home. Now today I am going to start the explanation of chapter 7, The Wonder Called Sheep of class 6, supplementary. Now in this chapter we are going to study about the sleep, the benefits of the sleep. Okay. And the things what the person has dreamt of. Now, our body and brain recover from fatigue after a good sleep. ठीक है, डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए. देन वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आर ड्रीम्स. येस इट हैपन्स, कुछ सपने हम याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं. ड्यूरिंग स्लीप आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज डाउन. क्यों? क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम चल फिर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के मूवमेंट की वजह से हमारा हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है. सो वाइल स्लीपिंग वी गेट बेनिफिट ऑफ दैट आर माइंड रिलैक्सेस टू सम एक्सटेंट एंड our body also relaxes. Now let's see what is there in this chapter. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. We know what is sleep, but we don't know what are the causes of sleep. Sleep is a state of rest, an unconscious rest means jisme hame hum matlab proper open mind mein open nahi hote hain. ठीक है, हमें कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ हम भूल जाते हैं. वेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज. दैट मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है. उसी तरीके से आवर माइंड ऑल्सो गेट लोडेड. सो वेन वी स्लीप आवर माइंड ऑल्सो रिलैक्सेस. After a good sleep and rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. सही बात है, अगर आप दो तीन रात ना सोएं तो आपकी बॉडी में थकान बनी रहेगी, वीकनेस फील होएगी. सो वेन वी स्लीप आर बॉडी ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड. हमारी बॉडी को एक तरीके से करंट मिल जाता है काम करने के लिए. ठीक है, वेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वॉट हैपेंड वेन वी वर अस्लीप. क्या कई बार हमें याद रहता है, कई बार नहीं याद रहता है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में रात में क्या हो रहा था. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आर स्लीप वॉट काइंड ऑफ डार्कनेस वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस बिकॉज माइंड इज टेकिंग रेस्ट एट दैट टाइम. दैट इज वाई वी एटलीस्ट डोंट रिमेंबर मेनी थिंग्स. सेवरल थिंग्स हैपन टू आर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. ठीक है, जैसे हम अगर अधमरी नींद में होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, या हमें लगता है कि हमारे बगल में कोई खड़ा है या कोई आया है तो हम उठ जाते हैं. लेकिन जब हम गहरी नींद में हो जाते हैं देन हमारी मसल्स जो है वो भी रिलैक्स हो जाती है, तब हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, आर टेम्परेचर एंड द ब्लड प्रेशर गोज डाउन. The ever active brain also slows down so that we can't think as act consciously but we dream. ठीक है, हमारा माइंड भी रिलैक्स करता है तब भी हम ड्रीम करते हैं, और क्योंकि हमारा माइंड टू सम एक्सटेंट वो रिलैक्स करता है, दैट इज़ वाई वी डोंट रिमेंबर ऑल द ड्रीम्स. When we woke up, our temperature and pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal as we are fully awake and have forgotten most. If not all the dreams that we had while sleeping. ठीक है, now we'll see the second part. What is a dream? It is an activity of mind that takes place when we are asleep. What is dream? It is an activity of mind. उसमें क्या है, हम बॉडी से कोई काम नहीं कर रहे, माइंड भी हमारा टू सम एक्सटेंट कम काम करता है, रेस्ट करता है. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. That only means that many of the things that have happened in dreams could happen when we are awake. ठीक है, जब जैसे कभी कभी होता है ना, हम ड्रीम्स में जो चीज़ देखे होते हैं, कुछ ड्रीम्स हमें याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं. लेकिन जब हम जगे रहते हैं, when we are active, at times we think that this thing we have done it already, but no, exactly we have not done it while we are awake.
बट वी हैव सीन इन द ड्रीम. तो ड्रीम्स की कुछ चीज़ें ये रह जाती हैं जो हमें लगता है कि हम कर चुके हैं. अदर्स कुड नॉट. ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. ड्रीम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट. फर्स्ट वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस. वी कैन स्लीप, जो हमें बाकी डिस्टर्बेंस से दूर रखती है. फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड वॉट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. ठीक है, ड्रीम्स में कभी कभी क्या हेल्प करता है, रिंग विंग बजता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो हम सपना देख रहे हैं, कि सपने में बेल बज रही, सपने में कोई आया है. सर्टन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. कई बार होता है कि सपने में भी हमें कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है. दे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैनॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. ओके, ड्रीम्स इसलिए नहीं है कि फ्यूचर में हमें पता लग जाए, हमारा फ्यूचर पता लग जाए, नहीं. कुछ चीज़ें हमारी ड्रीम्स में रहती हैं, याद रहती हैं, लेकिन कुछ हट जाती हैं. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप. हम में से बहुत लोगों को कितना क्या मालूम है कि सोने के कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ायदा वो देती हैं. Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Okay, now one of the poet who is Edward Thomas, who has written the poem related to sleep. Let's see. Light Out. The name of the poem is Lights Out. I have come to the borders of sleep. Means hum sone ki kagar pe aa gaye. The unfrontable deep. Means unknowingly hum kab कितनी डीप में चले जा रहे हैं. फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और विंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज. ड्रीम्स एक ऐसी चीज़ है कि हम उसमें चॉइस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. और कई बार हम कई ड्रीम्स को भूल जाते हैं. देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. मतलब ड्रीम्स में हम कभी कभी किसी किसी को देखते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने किसको देखा था. दे आर फेंट फेंट पिक्चर्स इन आर माइंड दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ. मीन्स व्हेन वी वेक अप वी आर ऑल अलोन. दो वी हैव सीन मेनी ड्रीम्स इन व्हाइल वी आर स्लीपिंग वी सी दैट देर आर मेनी पीपल अराउंड अस. वी आर टॉकिंग टू देम बट व्हेन वी आर अवेक वी सी दैट वी आर अलोन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी द वंडर कॉल्ड स्लीप. थैंक यू.